नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो नाक में होती है। नेजल पॉलिप्स नाक में स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग की वजह से नाक में सांस लेने में रुकावट होती है। नेजल पॉलिप्स दो तरह के पाए गए हैं, एक तो यंग एज में होते हैं जिसको हम एंट्रोकोएनल पॉलिप कहते हैं। ये एक सिंगल पॉलिप होता है जो मैक्सिलरी साइनस से निकलता है और धीरे धीरे बड़ा होकर नाक में फैलता है और उसका इलाज ना हो तो गले तक जा सकता है। जो यंग एज में नेजल पॉलिप होते हैं वो यूनिलैटरल यानी कि एक ही साइड में और सिंगल होते हैं और इनका इलाज एक ही है, इनको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। दूसरे किस्म के नेजल पॉलिप हैं मल्टीपल या एथमॉइड पॉलिप। ये ज़्यादातर थोड़े एडवांस्ड एज में यानी कि 30 प्लस की एज में होते हैं। ये दोनों नेजल कैविटीज़ में होते हैं और ये मल्टीपल होते हैं। धीरे धीरे करके ये बढ़ते जाते हैं और पूरे नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। नेजल पॉलिप क्यों होते हैं? कॉजेज ऑफ नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप्स नॉर्मली एलर्जी और इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। जिन लोगों को एलर्जी है, अस्थमा है, उन लोगों को नेजल पॉलिप बन सकते हैं। जिन लोगों को रिपीटेड साइनस इन्फेक्शन होती है उनको भी पॉलिप बन सकते हैं। पॉलिप्स में ये भी देखा गया कि ये जेनेटिक हो सकते हैं, यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है पेशेंट को पॉलिप डेवलप करने में। कभी कभी कुछ ड्रग एलर्जीज जैसे कि NSAID ड्रग्स के साथ पॉलिप बन सकते हैं। नेजल पॉलिप छोटे होते हैं शुरू में और धीरे धीरे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बन के बड़े होते रहते हैं। नेजल पॉलिप के सिम्टम्स क्या हैं? नेजल डिस्चार्ज, कभी क्लियर डिस्चार्ज होता है, कभी कभी अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई या म्यूकस जम गई तो थिक डिस्चार्ज भी हो सकता है। नेजल पॉलिप साइनसेस को ब्लॉक करते हैं, साइनस में इन्फेक्शन होती है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है और साथ में पोस्ट नेजल ड्रिप बन सकती है। नेजल पॉलिप की वजह से सांस का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है तो सेंस ऑफ स्मेल कमज़ोर या पूरी तरह से चली जाती है। क्योंकि नेजल पॉलिप सांस के रास्ते को रोकते हैं और साइनस ओपनिंग्स को ब्लॉक करते हैं, चीक्स के ऊपर और हेड और फोरहेड के ऊपर प्रेशर सेंसेशन हो सकती है और क्योंकि ये नाक का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं पेशेंट को स्नोरिंग और बाद में स्लीप एपनिया भी हो सकता है। नेजल पॉलिप को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? एक बार आपको नेजल पॉलिप के सिम्टम हो और आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जब आपको नेजल पॉलिप के सिम्टम होते हैं और आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने जाते हैं वो पहले आपको एग्जामिन करते हैं। उसमें वो नेजल एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि आपके कहां कहां पर पॉलिप है और कितना स्प्रेड किया गया है। कभी कभी ENT स्पेशलिस्ट आपके एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि एलर्जी काउंट तो नहीं बढ़ा हुआ। CT स्कैन करके हमको पता चलता है पॉलिप्स कौन से साइनसेज में हैं और कितने बढ़े हुए हैं। अब हमको पता चल गया कि हमको नेजल पॉलिप्स हैं तो इनका इलाज क्या है? नेजल पॉलिप्स का इलाज इतना आसान नहीं है। एंट्रोकोएनल पॉलिप का आसान सिंपल सर्जरी है, ज़्यादातर एक ऑपरेशन से वो ठीक हो जाते हैं और पेशेंट को ये पॉलिप दोबारा नहीं होते। मल्टीपल पॉलिप्स या एथमॉइडल पॉलिप एक रिकरेंट डिजीज़ है। इसका पूरी तरह से हम ना दवाई से ना सर्जरी से इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। नेजल पॉलिप्स का ट्रीटमेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन में हम इंट्रानेजल स्टेरॉयड देते हैं और ये आप हमेशा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, अपने आप घर पे शुरू ना करें क्योंकि इनकी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कभी कभी अगर पॉलिप बढ़ जाते हैं और सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम ओरल स्टेरॉयड्स भी दे सकते हैं जिससे पॉलिप श्रिंक होते हैं। पॉलिप के इलाज में भी और जब हम ऑपरेशन करने वाले होते हैं तो ऑपरेशन से पहले भी हम ओरल स्टेरॉयड देते हैं ताकि पॉलिप श्रिंक कर जाएं और सर्जरी आसान हो जाए। एक स्टेज आता है जब दवाइयों से काम नहीं होता, नाक पूरा भरा होता है पॉलिप से, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के ज़रिए हम पॉलिप्स के पास जाते हैं, कोल्ड स्टील इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी माइक्रो डिब्राइडर यूज़ करके हम पॉलिप्स निकालते हैं और पूरे के पूरे साइनस पैसेजेस क्लियर करते हैं। सर्जरी करीब 1.5 से 2 घंटे की होती है, कभी कभी लंबी भी चल सकती है और ये हम जनरल एनेस्थीजिया में करते हैं। सर्जरी के बाद आपको 2 या 3 बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है पोस्ट ऑपरेटिव विजिट के लिए, जहाँ पर वो आपको नेजल टॉयलेट, नेजल क्लीनिंग करते हैं। सर्जरी के बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अच्छी तरह से नेजल डूशिंग या नेजल क्लीनिंग करें और आपके नाक का ध्यान रखें। ये भी ज़रूरी है कि रिकरेंस अर्ली स्टेज में अगर आप दिखाएं तो उसका इलाज ठीक हो सकता है। नेजल पॉलिप की सर्जरी के बाद आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना ज़रूरी है। आप अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते रहें, खासकर सीजन चेंज में जब एलर्जी होती है आप ENT स्पेशलिस्ट से मिलें
और दवाई लें ताकि आपकी एलर्जी के सिम्टम्स कंट्रोल में रहें और पॉलिप्स दोबारा ना बने। नेजल पॉलिप्स पेनलेस होते हैं, ये शरीर में पेन नहीं करते। नेजल पॉलिप्स आर नॉट कैंसरस, दे आर नॉट नोन टू कॉज कैंसर, नॉर आर दे कैंसरस बाय देमसेल्व्स।